गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह का टाइम है और मैं अभी देखिए रोटी बना रही हूँ। सुबह सुबह जो है ब्रेकफास्ट वाला डिपार्टमेंट मेरा रहता है, तो मुझे रोटी वगैरह सब बना के रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी से रोटी बना रही हूँ। यार यहाँ देखिए सूरज भी कितना उग चुका है, वही मैं दिखा रही हूँ आपको। और अभी सबके लिए रोटी बना दे रही हूँ। रोटी आज रोटी और भुना हुआ बैंगन का भरता होगा। सो आगे देखिए एक एक करके मैं यहाँ पे रोटी बना दे रही हूँ। मैं थोड़ा क्लोजअप दिखा रही हूँ कि मैं तेरे कितना गोल गोल रोटी बनाती हूँ बोल के। और यहाँ पे भाई खड़ा है, भाई अपना ब्रश कर रहा है। और देखिए रोटी तो जैसे कि मैंने बोला कि रोटी के साथ आज भुना हुआ बैंगन का भरता बनेगा, तो यहाँ पे मैं पहले से ही जो बैंगन को है भून ली थी अच्छे से। तो यहाँ पे बस ऊपर का जो उसका स्किन होता है वो सब निकाल के साइड में रख दे रही थी। और आप लोग तो कितना अच्छा अच्छा भरता सब बनाते होंगे, बट आज मेरा वाला स्टाइल देख लीजिए। तो अभी जो है ये बैंगन का भरता रेडी हो गया है। अभी का आज का ब्रेकफास्ट रोटी और बैंगन का भरता हो। देखिए सुबह सुबह मेरे फ्रेंड्स सब मेरे घर में आके ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो जितना भी टाइम निकाल पाते हैं या फिर टाइम सेट कर पाते हैं तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो अभी मैं सुबह और शाम के टाइम में पढ़ने के लिए जितना जो भी टाइम में मुझे फ्री मिलता है तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और वो यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म होने के बाद फिर से मैं जो है खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी, बिकॉज मम्मी लोग बाहर गए हुए हैं। अभी फ्राई हो चुका है, यहाँ पे देखिए ये फिश और ये पटाटो सब फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। मैं मोबाइल चेक कर रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा। तो यहाँ पे देखिए फिश और पराठा जो है वो फ्राई हो चुका है। यहाँ पे दाल हो चुका है और बना चुके हैं। और वहाँ पे देखिए वो ऑनियन जो है वो फ्राई हो रहे हैं। तो आज जो है आज फिश करी बनने वाला है और राइस बनने वाला है, दाल बनने वाला है। और पापा के लिए है क्या बोलते हैं उसको, बैंगन का भरता जो है पापा सुबह ब्रेकफास्ट में मिलती है, तो पापा आज बाहर ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। सो अभी उनके लिए वही है और सलाद काट देंगे, तो उसके बाद हो जाएगा मेरा काम खत्म। अब जब फिश को फ्राई करते हैं ना, तो फिश जब फ्राई हो रहा होगा तो उसमें ना आप ये मैंगो, ड्राई मैंगो यहाँ पे कहा है, ऐसे ड्राई मैंगो मिलता है जिनके पास है, तो वो क्या करें ड्राई मैंगो जो है वो ऑयल पे डाल दें।
तो ऑयल पे डालने से ये होता है कि फिश जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो मसाला का जो है वो अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। आंखों में ना ऑयल आ रहा है, तो मसाला का जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फिर से आ रहा है तो फ्राई कर देते हैं, उसके बाद तो उसमें ड्राई वाला मसाला जो सब है वो सब डाल देते हैं। आप खुद बनाना आता है ना, मैं आपको रेसिपी क्यों दिखा रही हूँ, आप ब्लॉग्स में बने रहिए। और हाँ, मेरा जो है ब्लॉग्स का मेरा जो चैनल का नाम है ना वो ओडिशा ब्लॉगर ऋषि कलिया नाम दे हूँ, तो उम्मीद है आपको नाम पसंद आया होगा, है ना, ओडिशा ब्लॉगर ऋषि कलिया। सो वेलकम टू ओडिशा ब्लॉगर ऋषि कलिया। तो चलिए फिश करी बनाते हैं। यहाँ पे जो है ना मसूर सीड्स को ना पानी में थोड़ा सा भिगो के मैंने रख दिया था, और अभी इसको ग्राइंड कर दूंगी। फिश में जो है ये मसूर सीड्स बाद में डालने से, करी होने के बाद में आप डालिएगा तो जो है फिश का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और आप याद करके ड्राई मैंगो डालिएगा या फिर इमली का पानी, आपके पास ड्राई मैंगो नहीं है तो फिर आप इमली का पानी डाल लीजिएगा, वो बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा। तो मसाला को जो है वो अच्छे से फ्राई होने देते हैं, मैं तब तक जो है मस्टर्ड सीड्स को ग्राइंड करके ले आती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा मस्टर्ड सीड्स जो है पेस्ट बन चुका है। लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा बिकॉज लाइट ये ऊपर है। तो यहाँ पे जो है मसाला सब अच्छे से हो गया है, तो सारा पटाटा जो है वो सब डाल देते हैं। थोड़ा ना बचपना करने का मन करता है बीच बीच में। कल लगा दे रही हूँ बिकॉज अभी जो है पटाटा फ्राई यहाँ पे ऐड की हूँ, तो थोड़ा सा उसको सॉफ्ट होने के लिए टाइम लगेगा, तो अभी ढक देती हूँ। आप नजदीक से देखना चाहेंगे? यस, देखिए सो वो ढक्कन मैंने लगा लिया है और फिश को जो है थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं बिकॉज जब तक ये पटाटा जो है वो फ्राई होता रहेगा। बस मैं सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, फिर उसके बाद नहाने जाती हूँ। सो घर पे अभी कोई नहीं है, सबका अपने अपने काम में चले गए हैं, और मुझे भी ये करी बनाने के बाद मैं भी रेडी वेडी होके मैं भी निकल जाऊँगी मेरे काम में। तो आप अब ब्लॉग में जो है बने रहिएगा, और ओडिशा ब्लॉगर ऋषि कलिया को हमेशा प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो यहाँ पे देखिए बॉयल आ चुका है, तो अभी हम फिश फ्राई जो किया हुआ था वो अभी ऐड करेंगे यहाँ पे। तो अभी इसको जो है फ्राई होने देते हैं। सो फ्राई जो है वो डाल चुके हैं, सो अभी इसको थोड़ा सा उबालने देते हैं। उसके बाद जो हम मस्टर्ड सीड्स का जो पेस्ट बनाए हुए थे तो उसे डालेंगे। यहाँ पे देखते हैं आल पराठा जो है वो अच्छे से हो गया है। तो लंच वगैरह करने के बाद फिर से मुझे टाइम मिल गया, तो मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई हूँ। और उम्मीद है आपको जो है हमारे ब्लॉग सब अच्छे लग रहे होंगे, और कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।
और आप जो है हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। सो मैं पढ़ने के बाद मैं फिर से आपको मिलती हूँ। सो अभी तो अब और भी पढ़ना है, तो अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको बोर नहीं करती हूँ, और मिलते हैं कुछ देर के बाद, ठीक है? सो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, और अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट आप कीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि मुझे वीडियोस में और क्या ऐड करना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो आपका सजेशन मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आप सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना टाइप करके थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल के मुझे बता दीजिएगा। और ठीक है, आप तब ब्लॉग में बने रहिएगा, और ब्लॉग को जो है पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है? आपको ये सब इंसेक्ट सब का जो आवाज है आपको सुनाई दे रहा है? माय गॉड, कितना जोर का आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा वॉक कर रहे थे बाहर, और तो वीडियो को एंड नहीं की थी, तो सोची कि वीडियो को एंड कर लेती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, और हम कोशिश करेंगे कि नया नया जो सब चीज़ सब है हम वीडियो में ऐड करने का, बट लाइफ में जो हो रहा है बस वही दिखा रहे हैं। सो उम्मीद है आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए। अच्छा, मैं ये डंडा क्यों पकड़ी हूँ, आप ये सोच रहे हैं? अरे बाहर जा रही थी ना, तो सारा जो वो डॉग सब है ना, पूरा एकदम चढ़ जा रहा था मेरे ऊपर, तो मैं डर गई थी, इस वजह से इसको पकड़ी। बस डराने के लिए, मारती नहीं हूँ मैं, बस डराने के लिए कि थोड़ा सा दूर रहेगी, बिकॉज वो दोनों पैर उसे ऊपर करके ना एकदम चढ़ जाते हैं। सो ये आपके लिए नहीं है। सो हाँ, सो उड़ीसा ब्लॉगर रेसिकलिया को आप ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना सब्सक्राइब करके हम कैसे ये चैनल को आगे बढ़ाएंगे, आप बताइए तो, ठीक है? तो हमें ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।